अथर्ववेद दीर्घायुष्य प्राप्ति, मनुष्य पूर्ण वृद्धावस्था तक दीर्घायुष्य होवे, बीच में सैकड़ों अमृत्यु प्रयत्न करने पर भी इसे ना मार सके, जिस प्रकार अपने प्रिय पुत्र को माता गोद में लेकर प्रेम के साथ पालती है, उसी प्रकार सबका मित्र देव इस पुरुष को मित्र संबंधी पाप से बचावे। शत्रुनाशन मित्र और वरुण ये मिलकर इनको अति दीर्घ आयु वाला करें। सब चारित्र जानने वाला तेजस्वी देव इनके सब देवताओं के जीवन चरित्र कहें। हे ईश्वर, तू पृथ्वी पर के संपूर्ण जन्मे हुए और जन्मने वाले सब प्राणियों का स्वामी है, तेरी कृपा से प्राण और अपान इसे बीच में ही ना छोड़े तथा मित्रों से या शत्रुओं से इसका वध ना होवे। धूप, पिता, सूर्य और मात्र भूमि ये दोनों मिलकर इसको अति दीर्घ आयुष्य तक जीवित रखें और यह मनुष्य अपनी मातृभूमि की गोद में प्राण और अपानों से सुरक्षित होता हुआ 100 वर्ष की दीर्घ आयु तक जीवित रहे। हे अग्नि वरुण मित्र राजन, इनको प्रिय भोग और वीर्य का बल देकर दीर्घ आयु से युक्त तेजस्वी जीवन प्राप्त कराओ। आदि शक्ति माता के समान इसे सुख देवे और अन्य नए सब देव इनको ऐसी सहायता करें कि यह सुख से अति दीर्घ आयुष्य प्राप्त कर सकें। दीर्घ आयुष्य की मर्यादा। शतायु शब्द दीर्घ आयुष्य की मर्यादा बता रहा है। इस सूक्त के मंत्र 4 में भी शतम हिमः जीवा 100 वर्ष तक जीवो कहा है। इससे 100 वर्ष का दीर्घायु प्राप्त करना इस सूक्त का उद्देश्य है। छोटी आयु के बालक को यह आशीर्वाद दिया जाता है और सब दिल से चाहते हैं कि वह 100 वर्ष तक जीवित रहे, तथा जो सैकड़ों अपमृत्यु हैं ये इसको बीच में ही ना मार सके, अर्थात 100 वर्ष के पूर्व कोई अपमृत्यु इसका नाश ना कर सके। बीच में किसी समय कोई अपमृत्यु इसके पास आ भी गया तो भी वह इसके पास सफल मनोरथ ना हो सके, यह यहाँ कहना है। लोग अपनी दीर्घ आयु करने के लिए ऐसे दृढ़वती हों और खान पान भोग व्यवहार आदि के नियम ऐसे दक्षता से पालन करें कि वे बीच में ही मृत्यु के वश में कभी ना चले जाएं। साधन दीर्घ जीवन प्राप्त करने का साधन चतुर्थ मंत्र में संक्षेप से कहा है, देखिए। प्राणापानभ्याम गुपितः शतम हिमा जीवः, प्राण और अपान से रक्षित होता हुआ 100 वर्ष जियो। इस मंत्र भाग में दीर्घ जीवन का साधन कहा है। यदि इसका विचार मनुष्य करेगा तो प्रायः यह दीर्घायु प्राप्त कर सकेगा। प्राण और अपान से अपनी सुरक्षितता प्राप्त करना चाहिए, अर्थात प्राण का और अपान का बल अपने में बढ़ाना चाहिए। नाभि के ऊपर प्राण का राज्य है और नीचे अपान का राज्य है। ये इस शरीर में मित्र और वरुण हैं। इनका उल्लेख इसी सूक्त में अन्यत्र मंत्र 2-5 में पाठक देख सकते हैं। इसी एक साधना से मनुष्य दीर्घ आयु प्राप्त कर सकता है। इनका कार्य क्षेत्र श्वास और उच्छ्वास रूप प्राण का कार्य हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। प्राणायाम से इस प्राण का बल बढ़ता है और इनकी सब क्रियाएं भी ठीक प्रकार चल सकती हैं। साधारण भस्त्रा और उज्जायी प्राणायाम इस अनुष्ठान के लिए पर्याप्त है। भस्त्रा प्राणायाम धोकनी की गति के समान वेग से श्वास उच्छ्वास करने से होता है। यह थोड़े समय तक ही होता है। अधिक होने वाला सुगम प्राणायाम उज्जायी होता है, जो स्वर युक्त और शांत वेग से श्वासोच्छ्वास नाक से करने से होता है। श्वास का भी शब्द हो और उच्छ्वास का भी हो, इच्छानुसार कुंभक किया जावे या ना किया जावे, यह अति सुगम और सुसाध्य प्राणायाम है और बिना आयास जिस समय चाहे हो सकता है। यह सौम्य होता हुआ भी इस कार्य के लिए अति उपयोगी है। इस प्रकार प्राण का बल बढ़ाने का अनुष्ठान होने से इसी का परिणाम अपान क्षेत्र पर भी होता है और अपान के कार्य भी उत्तम रीति से होने लग जाते हैं। अपान के कार्य मल मूत्रोत्सर्ग और कोष्ठत गत वायु का नीचे भाग से गमन आदि है, वे इसके होते हैं। अन्य नए योग साधन भी सुविज्ञ साधक से जाने जा सकते हैं।
इस योजना से प्राण और अपान का बल बढ़ाने से दीर्घ आयु प्राप्त करने का हेतु सिद्ध हो सकता है। हित मित्त पथ्य भोजन स्वयं व्रति ब्रह्मचर्य आदि जो धर्म मार्ग के साधन हैं, वे हर एक अवस्था में आवश्यक हैं। वे सर्वसाधारण होने से उनका विचार यह करने की आवश्यकता नहीं है। प्राण अपान के बल से अपने आप को सुरक्षित करना यह एकमात्र अनुष्ठान यह इस कार्य के लिए इस सूक्त ने बताया है और वह योग्य ही है। ये दोनों कार्य ठीक प्रकार होने लगे तो शौच बुद्धि के संबंध में कोई कलेश नहीं होंगे, भूख उत्तम लगेगी, छाती में भी कोई कफ आदि की बाधा नहीं होगी। इस प्रकार शरीर के सव्यवहार बिना कष्ट के होने लगेंगे तो समझना कि दीर्घ आयु की प्राप्ति के मार्ग पर अपना पग है। परंतु यदि इनके कष्ट होने लगे तो समझना योग्य है कि अपना पग दूसरे मार्ग पर पड़ा है, यही तृतीय मंत्र में कहा गया है। इमं प्राणः मा हासित मह अपानः। प्राण अथवा अपान इसे बीच में ही ना छोड़ दें, अर्थात यह मनुष्य 100 वर्ष की पूर्ण आयु तक उत्तम प्रकार जीवित रहे और इसके शरीर में अंत तक प्राण और अपान अपना कार्य ठीक रीति से करते रहे। जो पाठक अपने स्वास्थ्य के संबंध में विचार करते हैं उनको अपने अंदर के प्राण और अपान के कार्य का विचार करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य ठीक चलते रहें तो ही शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य की तथा दीर्घ आयु प्राप्त होने की यह कुंजी है। प्राण और अपान द्वारा जो सुरक्षित होता है वह निश्चय से 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसीलिए दीर्घायुष्य के इच्छुक लोग अपने शरीर के अंदर इन दोनों बलों को बढ़ावे। वध प्राण अपान भी बलवान होते हुए और शरीर स्वास्थ्य भी उत्तम रहा तो भी वध कतल अपघात आदि आपत्तियां हैं जिनसे मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। धर्म युद्ध आदि प्रसंग छोड़ दिए जाएं, क्योंकि वहां जाकर मरना तो धर्म ही होता है, अन्य वध्य भी कम नहीं है, परंतु इनको हटाना मनुष्य के स्वाधीन नहीं होता। कई प्रसंगों में अपने अंदर अहिंसा भाव बढ़ाने और सार्वत्रिक प्रेम दृष्टि की वृद्धि करने से घातक लोगों के मन का भी सुधार होता है, परंतु यह सिद्धि योगा अनुष्ठान से और दीर्घ आत्म संयम से साध्य है, इसीलिए सबको यह प्राप्त होना कठिन है। अतः सर्वसाधारण के लाभार्थ ईश प्रार्थना ही एक सुगम साधन है। इसीलिए मंत्र 3 में कहा है कि हे ईश्वर, तेरी कृपा से मित्र इसका वध ना करें और अमित्र भी ना करें। तृतीय मंत्र परमेश्वर प्रार्थना विषयक ही है। भूत भविष्य काल के सब प्राणियों का एक ईश्वर है, सबका पालन वही करता है, उसी के कृपा से इस मनुष्य का वध ना होवे और इसका स्वास्थ्य भी उत्तम रहे। यह तृतीय मंत्र का भाव ईश प्रार्थना का बल प्राप्त करने की सूचना देता है। सब चराचर जगत का पालनहारा परमात्मा है, उसकी भक्ति करने से जो श्रद्धा का बल बढ़ता है वह अपूर्व है। श्रद्धावान लोग ही उस बल का अनुभव करते हैं और प्रायः यह अनुभव है कि श्रद्धा भक्ति से परमात्मा भक्ति करने वाले उपासक उत्तम स्वास्थ्य से संपन्न होते हैं। इसीलिए इस दीर्घायुष्य प्राप्ति के सूक्त में त्वम ईशिषे इस तृतीय मंत्र द्वारा जो ईश भक्ति का पाठ दिया है वह दीर्घ आयु प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। पाठक इस बल से वंचित ना रहें। इस बल के प्राप्त होने पर अन्य साधन लाभकारी हो सकते हैं, परंतु इस बल के ना होने की अवस्था में अन्य साधन कितने भी पास हुए तो भी वे इतना लाभ नहीं पहुंचा सकते।